नमस्कार दोस्तों दोस्तों बात करेंगे बिरला ऑफिस की मशीन इंस्टॉलेशन के बारे में। तो आज मशीन अपने पास आ गई है और इंजीनियर साहब भी अपने पास आए हैं। आज इस मशीन को अपन चालू करेंगे, इसमें कलरेंट डालेंगे, सॉफ्टवेयर के बारे में समझेंगे कैसे यूज़ होती है और क्या सारी इसकी प्रोसेस है उसके बारे में आज इस वीडियो में पूरा देखने वाले हैं। तो मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा आपका, उसके बाद वीडियो को आपको अपने हिसाब से देखना है। उसी वीडियो के अंदर सारी चीज़ें देखने को मिलेगी आपको इस वीडियो में, और कैसे इसमें कलरेंट आते हैं, कैसे कितने कलरेंट हैं, वो सारी चीज़ें आज इस वीडियो के अंदर आप देखोगे और क्या क्या डिफरेंस है वो आपको कमेंट करके बताना है। कमेंट्स में मैं आपको जवाब दूंगा कि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट्स करिए, मैं वहाँ पर आपको बताऊँगा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट हो गया है अपना और मशीन के लिए जो भी प्रोसेस है इंजीनियर साहब ने चालू कर दी है। और एक ख़ास बात दोस्तों, ये आपको पूरा सॉफ्टवेयर समझाएंगे, मशीन इसका सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ होता है हर एक चीज़ वीडियो के लास्ट में आपको इंजीनियर साहब खुद बताएंगे। तो देखते हैं वीडियो को और मशीन के साथ क्या क्या फ्री मिला है, क्या क्या साथ में आता है, वो सब चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। और तो एंजॉय करिए वीडियो को पूरा, और थोड़ी सी जो नॉइस आएगी उसको आप इग्नोर करना, खाली सिर्फ आपको वीडियो में जो कंटेंट मिलेगा वो आपके काम का है, नॉइस को आप बिल्कुल इग्नोर कर देना। क्योंकि वीडियो बनाने की जो प्रोसेस थी 3 घंटे के अंदर ये वीडियो बना है, तो मैंने काट काट के जितना काम की चीज़ है वो सारी बताई हुई इसमें। तो किस तरह से मशीन ओपन हो रही है, कैसे क्या हो रहा है वो आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से आगे देखते रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। इस तरह से कुछ 16 कलरेंट मिल जाते हैं आपको टोटल, जिसमें से 4 कंटेनर बड़े होते हैं, बाकी के 12 कंटेनर छोटे होते हैं। बड़ों की साइज़ 2.3 लीटर है और छोटे वाले की साइज़ 1.3 लीटर है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत अलग अलग चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी। तो बने रहिए वीडियो के अंदर और मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के लास्ट में। और क्या है, एक दो चीज़ और दिखा दो सब कुछ बस, इसमें और कुछ नहीं है सर। कल वो अपने एक्सटर्नल आ गए, मशीन कलर है। हाँ। ठीक, साइज में फ़र्क है। दो लगेंगे, ये दोनों नोजल साफ करने के लिए। वही सेम होंगे। दोनों पर सामना आ जाएगा। फिर थोड़ा दूर वाला करके दिखाओ, 13 नंबर। उसके बाद क्या करना है यहाँ पे? यहाँ पे आप अमाउंट डालना है। जैसे 1 लीटर डाला तो 1 लिख दिया अपन, 1 लिख दिया, 1000 लिखने क्या? हाँ, अभी 1000 ml में रहेगा ना। अच्छा, ऐड करना है, ऐड करके कंफर्म करना है। ठीक है, कंफर्म करेंगे तो आपका सेव हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक, Thank you.
बज गई अब। एड हो गया राइट, तो कस्टम में जाना है। इसमें अपने हिसाब से कुछ भी अपन सेट कर सकते हैं। हाँ, ये मैनुअल है। इसके पासवर्ड तो नहीं है ना? नहीं, कोई पासवर्ड नहीं। इसमें पासवर्ड है वैसे? इसमें पासवर्ड है। अच्छा। कस्टम करना और पासवर्ड लगाना पड़ता है। इसमें फॉर्मूला को एडिट भी कर सकते हैं। हाँ, इसमें फॉर्मूला एडिट करने के लिए उसमें पासवर्ड चाहिए। इसमें नहीं है। जैसे मैं तो दूसरी कंपनियों के सारे इसमें बनाता हूँ। अच्छा। और वाइट ट्यूब आ रही है, मैं वाइट किसी में डालते नहीं हूँ, जरूरत ही नहीं है। वाइट को डायरेक्ट कैंसिल कर देते हैं। अगर ये लास्ट और दिखा देते हैं, इसमें से लोग समझ जाएंगे। डालो 16 दिखाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा अपना। एक लास्ट पैड बनेगा। हाँ, ये कलर, ये वाला कलर अपने बर्जर में नहीं है। हाँ, ये बर्जर में नहीं है। इसका वो एशियन में इंटीरियर रेड आता है ना। हाँ, इंटीरियर एक्सटीरियर रेड सा जैसे ही होता है। आईएल है ना? आईएल हमारा है। बताइए। हम लोग सबसे पहले मशीन UPS ऑन करेंगे और उसका इमरजेंसी स्विच ऑन करेंगे। इसके बाद हमारा सर्विस है KK सर्विस करके। हम इसके अंदर जाएंगे और इसको सबसे पहले स्टॉप सर्विस करेंगे और विद इन 15 से 20 सेकंड तक यहाँ पे रुकेंगे हम। इससे क्या होता है सर? इससे क्या होता है, एप्लीकेशन को रन होने में इसको प्रोसेस सही रहता है। हम फटाफट नहीं जाते, एप्लीकेशन ऑटोमेटिक या तो क्रेश हो जाएगी। अच्छा। मतलब ऑटोमेटिक बंद होकर बाहर आ जाएगी। इससे बेटर हम 15-20 सेकंड रुक के स्टार्ट करेंगे तो उसका सिस्टम प्रोसेस ईजी रहता है स्टार्ट होने में। यहाँ पे स्टार्ट सक्सेसफुली लिखा हुआ आ जाएगा। ये हर बार जब भी, हाँ जब भी, हाँ स्टॉप स्टार्ट करेंगे हर बार ये आएगा लिखा हुआ। ठीक है। इसको मिनिमाइज कर देंगे, फिर ऊपर से स्लाइड से ऊपर जाएंगे वाईफाई में जी। इंटरनेट में यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे हमारा FFM करके आएगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारा कनेक्ट टू डिवाइस कैन नॉट प्रोवाइड इंटरनेट आ जाएगा ऑटोमेटिकली का। जैसे इसको कनेक्ट करेंगे, अभी कनेक्ट है अपना, अभी कनेक्ट है मशीन के साथ। हाँ, मशीन के साथ। ठीक है। इसको नीचे मिनिमाइज करेंगे, फिर हमारा स्लाइड के ऊपर कर बिल्ला ऑफ स्टिंट करके एप्लीकेशन है। बिल्ला ऑफ स्टिंट, ऑफ स्टिंट जो कलर बनाने के लिए। ठीक है। इसको, ये अपनी मेन एप्लीकेशन है। हाँ, ये मेन एप्लीकेशन है। ठीक है। ये आपका मेन जो पेज ज्यादा आएगा वही है ना? वही यही है। अभी कनेक्ट है मशीन अपने? मशीन अभी कनेक्ट नहीं हुई है। कनेक्ट कर, एक मिनट रीओपन कर दो। अब वहीं से चालू कर दो ना, यही समझाओ। ये एप्लीकेशन जैसे ओपन होगा मशीन कनेक्टेड लिखा हुआ जाएगा और मशीन राउंड लेने लग जाएगा, फिर राउंड लेके रुक जाएगा, फिर हम ओके करेंगे मशीन। होने के बाद यहाँ पे स्टैंडर्ड आएगा, कस्टम आएगा और हमारा मशीन जैसे कनेक्ट हो यहाँ पे ग्रीन सिग्नल आएगा ऊपर वाईफाई का। ये स्टैंडर्ड में जाएंगे, यहाँ पे हमारे
शेड बनाने के लिए स्टैंडर्ड शेड बनाने, कोई भी फंडिंग आएगा उसको देखे हमें शेड यहाँ बनाने के लिए। एग्जाम्पल के लिए आप एग्जाम्पल के लिए हमें यहाँ पे शेड कोड में जाऊँगा, यहाँ पे मैं कोई भी कोड डालूंगा, यहाँ पे जाके नाम के साथ कोड आ जाएगा, इसको मैं क्लिक करूंगा ऊपर बिल्ला ओपस कलर क्राफ्ट क्राफ्ट आ जाएगा, इसका एक फंडेक का नाम है, ठीक है बिल्ला। यहाँ पे जाएंगे प्रोडक्ट का लिस्ट आएगा, हमें कौन से प्रोडक्ट में शेड बन सकता है, जितने भी सब प्रोडक्ट हैं उसमें आपकी लिस्ट आ गई है, लिस्ट आ गई जिसमें आपको कलर बनाना है वो यहाँ से सिलेक्ट करना है, सेलेक्ट करना जैसे आपने को कोई भी एक सिलेक्ट कर लिया, एक ही मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे बेस आ गया आपका, लिटरल साइज आ गई, और ये शेड कैसे बनेगा ऐसा भी इसने यहाँ पे दिखा देगा। अच्छा वो भी दिखाता है, ये वो भी दिखा रहा है, अप्रोक्सीमेटली ऐसा दिखेगा ऐसा, ठीक है ना। यहाँ पे बेस का नंबर आ गया, इसके बाद यहाँ पे अपनी तीन चार तरह की कलर्स गिर रही है, ठीक है वो दिखाएगा, और फिर यहाँ पे हमारा ये प्राइस भी दिखाएगा, ये अपने सिर्फ उसकी कॉस्टिंग है टिंटिंग की, दोनों की बेस और कलर दोनों की कॉस्टिंग, दोनों की कॉस्टिंग एक साथ आ जाएगी। अगर अपने को खाली उसकी कॉस्टिंग देखनी है तो यहाँ पे हम प्राइस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखा देगा, ऊपर बेस का दिखाएगा जी, उसके नीचे कलरेंट्स का दिखाएगा, ठीक है। इन दोनों का टोटल है, हमें यहाँ पे 18% जीएसटी के साथ ये टोटल नीचे दिखाएगा, ठीक। इसके बाद हम जैसे टिंट पे जाएंगे वहाँ से मशीन टिंटिंग चालू प्रोसेस के लिए बोलेगा, डब्बा रखने के लिए और प्रोसेस करने के लिए प्लेस कैन एंड कन्फर्म, ठीक है। जैसे हम डब्बा रखे प्रोसेस करेंगे कलरेंट गिर जाएगा, ठीक। ये तो होगा हम कलर बनाने, ठीक। और हमें मेंटेनेंस मशीन का रख रखा और कलरेंट्स को कैसे फिल करना है उसके लिए मेंटेनेंस में जाएंगे। हाँ एक चीज़ और, ये शेड बनने के बाद हमारा स्क्रीन वापस ऐसा आ जाएगा, हाँ। तो हमें अगला वापस शेड बनाने के यहाँ पे रिसेट का ऑप्शन है, इसको रिसेट कर देंगे तो नया आ जाएगा, वापस होम पे आ जाएगा। मेंटेनेंस में जाना है, यहाँ पे कलर्स के सारे नाम है, जो भी कलर फिल करना है, जैसे मुझे वाई एक्स करना है, इसको भी सिंगल क्लिक टिक करके यहाँ पे रिफिल लिखा हुआ है, रिफिल करूँगा वो कैनिस्टर सामने मशीन घूम के सामने आ जाएगा कैनिस्टर, और उसमें आपको ml के हिसाब से लिखना है। ml के हिसाब से मैंने कलरेंट्स में जितना 400 ml 500 ml 1 लीटर जो भी डाल रहा हूँ उसके हिसाब से मुझे ऐड करना है। अगर हम 1 लीटर पूरा डाल रहे हैं तो थोड़ा बहुत डब्बे में रह जाता है, तो हम 950 के आसपास इसको ऐड कर सकते हैं, उससे किससे हमारे डिस्पेंसरी में कभी इशू नहीं आया। ऐड करना है और यहाँ पे कन्फर्म करना है, आप जैसे कन्फर्म करोगे आपका क्वान्टिटी यहाँ पे बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक। अब उसको लेस नहीं कर सकते वापस, कर सकते ठीक, माइनस करके जो जितने ml अपने एक्स्ट्रा लिख दिया है तो वो वापस निकाल लेंगे, ऐड करके कंफर्म करेंगे तो ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा, ठीक है। टोटल 16 कलरेंट है अपने, 16 कलरेंट से, इसमें सारे कलरेंट्स के नाम है नंबर भी है मशीन का ऊपर नंबर, और यहाँ पे भी नंबर दे रखा है। इसके बाद एक ऑप्शन है यहाँ पे क्लीन नोजल करके, मशीन का चेक करने के लिए, हम टेस्ट करने के लिए हमारा मशीन प्रॉपर घूम रहा है नहीं घूम रहा है, जैसे हम क्लीन नोजल करेंगे मशीन राउंड लेगा और यहाँ पे पूरा मशीन घूमेगा, पूरा मशीन घूमेगा। तो यहाँ पे ओके आएगा, ओके कर देना है, ठीक है। हाँ जैसे मुझे कुछ सिंगल कलर को पर्ज करना है, मैं इसको टिक करूँगा यहाँ पे पर्ज पे करूँगा तो सिंगल कलर को टेस्ट करने के लिए वो 1 ml जितना सा गिराएगा। तो यहाँ रिफिल का ऑप्शन है, रिफिल वैसे ही यहाँ से आप जा सकते हो और यहाँ से भी आप जा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एजुटेशन के लिए, एजुटेशन करेंगे तो कलरेंट्स को अंदर रोटेट करने के लिए, सिर्फ वो घुमाने के लिए मशीन को अंदर कलर शेक करने के लिए, सारे एक साथ घूमेंगे ना, सारे एक साथ घुमाएंगे वो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे यही है, बाकी यहाँ पे अब वो एक वो मैनुअल वाला अपने कस्टम जो है, कस्टम उसके लिए है, जैसे हमने कोई एक कलर डालना है या किसी शेड को बोसे और बोलते हैं हमें येलो शेड डालना है, हम जो भी कलर उसके अनुसार वहाँ पे ml ऑलरेडी दे रखा है, जितना क्वांटिटी डालना है उतना यहाँ पे लिखना है हमें। जैसे मेरे को 10 ml लिखना है, 10 करके यहाँ पे मैनुअल पे टिक लगाना है, फिर एरो से यहाँ नीचे जाना है, यहाँ पे टिंट लिखा हुआ है, टिंट करेंगे और जैसे आप डब्बा रखे प्रोसेस करेंगे कलर गिर जाएगा, ठीक है।